डेफिनेट इंटीग्रल्स का तीसरा वीडियो, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स का भी तीसरा वीडियो हम लोग इस समय प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। शुरू में पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल्स प्लेलिस्ट तीन हिस्सों में बटा रहेगा, उसका ये पहला हिस्सा चल रहा है। इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके डेफिनेट इंटीग्रल्स को इवेल्युएट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम बीएससी स्तर के बता रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपको बीएससी में लाभ करेंगे। आइए शुरू करें। आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 कॉट इनवर्स 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 1 टैन इनवर्स 1 upon 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 टेन इनवर्स 1 upon 1 - x कॉमन ले लिया तो 1 - x बचा। जरा देख लो भैया, ठीक है ना, x प्लस एक्स ठीक। एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 टेन इनवर्स x प्लस 1 - x अपॉन 1 - x इंटू 1 - x। देखो ध्यान से, नीचे तो हमने कुछ किया नहीं, ऊपर देखो इसको इसको ऐड करोगे तो 1 ही तो आएगा। लेकिन अब ये फॉर्म बड़ा सुंदर सा हो गया ना, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - ab इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1 - x नंबर 1। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करने जा रहे हैं दूसरे वाले में, इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1 - x की जगह 1 - x। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस ये भी हो गया टेन इनवर्स एक्स, ले इंटीग्रल का साइन यहीं से छोड़ते चले जा रहे हैं। ये था इंटीग्रल ब्रैकेट ऐसा डी एक्स, गणित भी गजब की चीज़ है, जरा सा दिमाग इधर उधर बटा। इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 और ये ब्रैकेट, नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, इसको हम यहीं से फिर से करेंगे। इसको दो इंटीग्रल अलग अलग कर लो। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल टेन इनवर्स 1 - x डी एक्स। छोटा बच्चा गली में बोल रहा है, उसी पे आवाज दिमाग जा रहा है बार बार। इक्वल्स टू इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल टेन इनवर्स 1 - 1 - x। एक्स को रिप्लेस कर दिया हमने 1 - x से। लिमिट 0 to 1 सभी जगह लगा दें। डी एक्स और ये भी देखो हो गया टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो ये आई देखो, ये जो इंटीग्रल था वो कितना बढ़िया ट्रांसफॉर्म हो गया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। Therefore, capital I equal to 2 integral 0 to 1 tan inverse x dx ऐसा हो गया। और आपको मालूम है sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, sec inverse x, cosec inverse x, cot inverse x, इनको integrate by parts करते हैं 1 को second function लेकर के। So this is 2 integral 0 to 1 और इसको हम लिखते हैं ऐसे
tan इनवर्स x इंटू वन डी एक्स, इससे पहला इससे दूसरा, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स वी गेट I इक्वल टू टू ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड x, लिमिट 0 टू 1 माइनस इंटीग्रल 0 टू 1, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड x डी एक्स, 0 रखने से 0 आएगा, 1 रखने से कुछ मिलेगा भाई 2, ये मिलेगा 1 इंटू टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 माने पाई बाई 4, माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रल 0 टू 1 टू एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इक्वल्स टू, टू को अंदर कर दो, पाई बाई टू माइनस ब्रैकेट लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, लिमिट जीरो टू वन, सिंस इंटीग्रल एफ डेस एक्स अपान एफ ऑफ एक्स डी एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, बहुत यूज इसका होता है। इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस ब्रैकेट वन रखोगे तो लॉग टू आएगा, माइनस जीरो रखोगे तो लॉग वन आएगा, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, तो कुल मिला के आंसर आ गया पाई बाई टू माइनस लॉग टू, पाई बाई टू माइनस लॉग टू बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 वन अपॉन वन प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 12। ठीक है भाई, इसमें एक इंटीग्रल का हमें इस्तेमाल करना है प्रॉपर्टी का, हो सकता है आप अब तक उसको विस्मरित कर दिए हो, मैं उसको यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। वी नो दैट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये यहाँ पे लगाना है। I इक्वल्स टू गिवन इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स अंडर द लिमिट 0 टू पाई बाई 2। ये इंटीग्रल आप देख चुके हैं, शायद पहला ही एग्जाम्पल हम यही उठाए थे। तो ये हो गया नंबर 1। अब ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये प्रॉपर्टी अगेन I इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 अंडर रूट साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन ऑफ
पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री अंडर रूट पाई बाई सिक्स में पाई बाई थ्री जोड़ोगे तो क्या आएगा पाई बाई सिक्स प्लस टू पाई बाई सिक्स थ्री पाई बाई सिक्स माने पाई बाई टू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स नंबर टू वन और टू को ऐड कर दीजिए ठीक ना। अब आप समझ चुके होंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहा है सोल्यूशन और किस घाट लगेगा जाके। एडिंग वन एंड टू टू आई इक्वल्स टू ठीक इंटीग्रल पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री डी एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स इक्वल्स टू टू पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स ये टू आई की वैल्यू है इसलिए आई इक्वल टू पाई बाई ट्वेल्व ये रहा। एग्जाम्पल नंबर सेवन ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखा थोड़ा सा अलग मिजाज का इसी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से एग्जाम्पल सेवन इंटीग्रल वन टू टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट थ्री माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू वही ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वही प्रॉपर्टी जो भी हम आपको बता रहे थे। आई इक्वल टू इंटीग्रल वन टू टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट थ्री माइनस एक्स डी एक्स बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल by the property of definite integral I equal to integral 1 to 2 under root x की जगह क्या रिप्लेस करोगे a plus b minus x यानी 1 plus 2 minus x upon under root 1 plus 2 minus x plus under root 3 minus bracket में 1 plus 2 minus x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल वन टू टू अंडर रूट अंडर रेडिकल बोलना चाहिए अंडर रेडिकल थ्री माइनस एक्स अपॉन अंडर रेडिकल थ्री माइनस एक्स प्लस अंडर रेडिकल एक्स डी एक्स नंबर टू दोनों को जोड़ दो देखो दोनों के डिनोमिनेटर एक हैं और जोड़ोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक होके कट जाएगा एडिंग वन एंड टू टू आई इक्वल टू इंटीग्रल वन टू टू रूट एक्स प्लस अंडर रेडिकल थ्री माइनस एक्स अपॉन अंडर रेडिकल एक्स प्लस अंडर रेडिकल थ्री माइनस एक्स डी एक्स
equals to integral 1 to 2 1 dx equal to 2 minus 1 equal to 1. ये वैल्यू है 2 i की, therefore i equals to 1 by 2. ये रहा. एक एग्जांपल और देखते हैं. एग्जाम्पल 8. इंटीग्रल 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू पाई. वैसे खींचिए इसको भी. ये 0 टू 2 पाई वाला है, ए टू बी वाला नहीं है. जो दो एग्जाम्पल हुए थे. स्टार्ट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स. ठीक है भाई. बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, कौन सी प्रॉपर्टी? 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स. ये वाली बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. अगेन आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स डी एक्स. साइन 2 पाई माइनस थीटा माने साइन, माइनस थीटा माने माइनस साइन थीटा. इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स. इसमें हम ऊपर नीचे ई टू द पावर साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू 2 पाई e टू द पावर साइन एक्स अपॉन e टू द पावर साइन एक्स और प्लस 1 डी एक्स. नंबर 2 या देखो, अब जोड़ो इसको, इसको जोड़ोगे तो नीचे बराबर है ना, ऊपर भी वही आ जाएगा और काम हो गया. एडिंग 1 एंड 2 2 आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 2 पाई ठीक 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स. चेक कर लो भैया. इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 2 पाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 पाई. ये 2 आई की वैल्यू है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू पाई. यही लाना था. आज का वीडियो यहीं पे रुक रहे हैं. अगले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको और हम दिखाएंगे अलग फ्लेवर का. बढ़िया बढ़िया. थैंक यू वेरी मच.